काफी देर तक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ममता बनर्जी में बातें होती रही। फिर राज्यपाल सीबी आनंद बोस भी वहां पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानी और अपने सांसद के साथ वहीं मन से बाहर प्लेटफॉर्म पर लगी कुर्सियों पर बैठ गए। उधर मंच पर राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री बैठे थे, उनसे 20-30 फीट दूर ममता बनर्जी। सभी के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल को दिए जा रहे तोहफों में पीएम मोदी के योगदान की चर्चा की। वेस्ट बंगाल को वंदे भारत का उपहार दिया है, ये अत्याधुनिक ट्रेन। ममता बनर्जी ने फौरन अपने नोट्स मांगे, शायद कुछ आंकड़े देखे, और जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो ममता ने 5 में से 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स को अपनी कामयाबी बताया। हालांकि ममता बनर्जी जब तक वहां मौजूद रही तब तक कभी मोदी मोदी तो कभी जय श्री राम के नारे लगते रहे। ममता बनर्जी स्टेज पे नहीं चली आज, शुभेंदु के लिए नहीं, नंदीग्राम के लिए, एक नए 5-6 के लिए, जो नंदीग्राम उनकी कंपार्टमेंटल सीएम बनाई, कलाकुंड में इस तरीके से हरकत किया, आज भी किया, घटिया चीफ मिनिस्टर। सरकारी अनुष्ठान के राजनीतिकरण करे बीजेपी जे निकृष्ट मोनार परिचय दिलो, एटा निंदा करार कोनो भाषा नहीं, एवं एटा आरो एक बार प्रमाण करे दिलो যে সংকীর্ণ রাজনীতি মনস্ক বিজেপি আছে, বিজেপিতেই তাদের শ্রদ্ধাবার কোনো লক্ষণ নেই, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে রাজনৈতিক সৌজন্য এবং শিষ্টাচার বিজেপি শেখা উচিত, এবং এটা শুধু বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান নয়, এটা সমগ্রভাবে নারী জাতিকে অপমান, একজন মহিলাকে অপমান, এবং সমগ্র